दोस्तों, आज अपन बना रहे हैं सरसों का साग। ठीक है, इसके लिए सरसों की भाजी बारीक काट ली है, उसके बाद इसको साफ करना है, क्लीन करना है, धोना है, दो तीन पानी से धोना है। ठीक है, इसको कैसे धोना आप देख सकते हैं ना, एक पतीले में पानी भरना है, उसके बाद जो ऊपर ऊपर आएगा उसको ऐसे निकाल निकाल के रखना है। ठीक है, हल्के सारे को ऐसे रखना है ताकि मिट्टी नीचे रह जाएगी और जो है ऊपर ये रहेगा सब्जी। आप देख सकते हैं सरसों की भाजी क्लीन हो चुकी है, साफ हो गई है, अच्छे से धुल लिया गया है इसको। ठीक है, एक कढ़ाई में इसकी भाजी को रखी और पाँच दस मिनट पकाया गया जिससे इसका पानी सूख जाए अच्छी तरीके से। जो भी ये भाजी पानी छोड़ दी थी, हल्का सा नमक डाल के देख सकते हैं, लगभग पानी सारा सूख गया है, थोड़ा और बचा है और इसको चलाएंगे तो सारा पानी सूख जाएगा। उसके बाद तुम्हारे ड्राई पानी, मैंने इसमें सरसों का तेल यूज़ किया है, आप चाहो तो घी भी ले सकते हो, नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हो, मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसमें बारीक चॉप और अदरक चॉप काट के डाला है, इससे इसका मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी भी मिर्ची डाल सकते हैं, अगर बिना नहीं डाले तो किसी को उसको हमको नहीं डालना था, उसको बिना मिर्ची का देना कुछ नहीं डालना। बारीक कटी टमाटर, लाल खड़ी मिर्ची, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हल्दी पाउडर डाल रहा हूँ और हल्का सा नमक डालो, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं डाला मैंने, बस ज़्यादा मसाले नहीं डाले। नॉर्मल भी चाहिए था इसलिए ये दो मसाले डाला, बाकी आप ये सब बनाते हैं वो तो मुझे नहीं पता, सबका अलग अलग स्टाइल होता है। ये भाजी का मैंने जो पानी सुखाया था उसमें पूरा पानी सूख गया था, उसके बाद अपने डाल दिए। अपने घर के देसी स्टाइल से बनाया गया है, बाकी तो होटलों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग मुझे बनाया जाता है, घरों में तो देसी बनाते हैं इसलिए आपको अपने अपने घर के उनकी स्टाइल से दिखाया गया था। बाकी सरसों की जो भाजी है उसको पीस से बनाया गया था और सब्जी भी बनाया जाता है, इससे वो ही बहुत टेस्ट हो जाती है, टेस्ट हो जाती है, इसका काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। आप देख सकते हैं एकदम ड्राइली बन चुका है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, खाने में बहुत टेस्टी, मक्के की रोटी साथ आपको खा सकते हो। ठीक है, और घर की वाले स्टाइल में बनाया गया है, होटल में